नमस्कार, कैसे हैं आप सब। मैं आपका मित्र ओप यादव एक बार फिर से आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल रियल टाइम अशोक पे बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। प्रिय दोस्तों, अमडी यूनिवर्सिटी रोहतक से जुड़ी एक फिर नई अपडेट लेके आया हूँ और यह अपडेट आप लोगों के लिए कहीं बेहतर होने वाली है। दोस्तों, आपको पता होगा कि भारत देश के अंदर यदि एक नंबर पर किसी कॉलेज को माना जाता है तो वह दिल्ली यूनिवर्सिटी होती है। और यहाँ पे जब एडमिशन की प्रोसेस चलती है तो दोस्तों बहुत से कॉलेज ऐसे होते हैं जिनकी कट ऑफ 99% पे इनकी कट ऑफ जाती है और वहीं पे एडमिशन क्लोज हो जाते हैं जर्नल वाले विद्यार्थियों के। तो दोस्तों, आज DU यूनिवर्सिटी की तरफ से एक बड़ा कदम उठाया गया है और हम ज़रूर इसको मानेंगे कि यदि दिल्ली यूनिवर्सिटी ने ऐसा कदम उठाया है तो महर्षि दयानंद यूनिवर्सिटी भी इसी प्रकार का कदम उठाएगी। और प्रथम व द्वितीय वर्ष के जो भी विद्यार्थी हैं जिन्होंने अभी परीक्षा देनी थी, प्रथम वर्ष के विद्यार्थी या फिर द्वितीय वर्ष के विद्यार्थी, उनको एग्जाम्स की छूट यहाँ दी जा सकती है। दोस्तों, आप सभी को पता है कि कुछ समय पहले, ये आप पहले नोटिस देख लीजिए, बाद में बात करेंगे, ये DU ने अधिकारियों ने सिर्फ तीसरे वर्ष के छात्रों की परीक्षा लेने का प्रस्ताव दिया, कुलपति लगाएंगे फैसले पर अंतिम होर। प्रस्ताव, प्रथम व द्वितीय वर्ष के छात्र बिना परीक्षा के प्रमोट किए जाएं। दोस्तों, कल की ही डेट में दिल्ली यूनिवर्सिटी के जो टीचर्स लोग थे या फिर उनके स्टाफ के लोग थे, कुलपति जो थे, उन्होंने एक वीडियो कॉन्फ़िगरेशन के माध्यम से सभी स्टाफ के टीचर्स की एक मीटिंग बुलाई और उनसे सुझाव लिए गए कि भाई किस प्रकार से क्या कुछ करना चाहिए कि बच्चों के एग्ज़ाम जल्द से जल्द सुलट जाएं और इनको किसी प्रकार की परेशानी ना हो और नेक्स्ट जो ईयर की कक्षाएं हैं वो भी सुचारू रूप से चलाई जा सके। तो दोस्तों, यहाँ सुझाव निकल कर आया कि जो प्रथम और द्वितीय वर्ष के छात्र हैं उन छात्रों को हम परीक्षा ना लें और उनको सीधा ही प्रमोट कर दिया जाए। इसके ऊपर अभी जो कुलपति हैं उनकी फाइनल मोहर लगनी बाकी है और दोस्तों उनकी मोहर लगेगी पहले 13 तारीख को एक सेंट्रल गवर्नमेंट के मंत्रिमंडल की तरफ से एक रिपोर्ट प्रधानमंत्री को सौंपी जाएगी। दोस्तों, वो रिपोर्ट जैसे ही उन लोगों को सौंपी जाती है उसके बाद इसके ऊपर कार्यवाही की जाएगी और वह फाइनल कार्यवाही रहेगी। दोस्तों, दिल्ली यूनिवर्सिटी ने इसको लेकर अपना अंतिम फैसला सुनाना बाकी है जो कि कुलपति की तरफ से मोहर लग के आनी है, VC की तरफ से मोहर लग के आनी है। दोस्तों, यदि दिल्ली यूनिवर्सिटी में ऐसा ही कार्य होता है तो महर्षि दयानंद यूनिवर्सिटी, MDU रोहतक या फिर अन्य हरियाणा की जितनी भी यूनिवर्सिटियाँ हैं उन सभी यूनिवर्सिटियों में भी इसी प्रकार से जो छात्र हैं प्रथम व द्वितीय वर्ष के उनको प्रमोट किया जा सकता है। इसकी अभी ऑफिशियल नोटिस तो किसी भी यूनिवर्सिटी का दोस्तों नहीं आया है, ना DU की तरफ से आया है, ना हमें महर्षि दयानंद यूनिवर्सिटी फिर या IGU या फिर देश की अन्य यूनिवर्सिटियां हैं, CSRU यूनिवर्सिटी है, GJU हिसार है, HAU हिसार है, दोस्तों भिवानी के अंदर भी यूनिवर्सिटी है। तो यहाँ से अभी हमें किसी भी प्रकार के अभी तक ऑफिशियल नोटिफिकेशन तो किसी प्रकार की दोस्तों नहीं मिली है। बट मैं आपको ये कहना चाहूँगा कि जैसे 10वीं और 12वीं की जो परीक्षाएं हैं उनके ऊपर सबसे पहले CBSE बोर्ड ने अपना फैसला लिया और CBSE बोर्ड ने जैसे ही फैसला लिया तुरंत 1 से 2 दिन बाद हरियाणा बोर्ड HBSE ने भी अपना फैसला सुना दिया कि हम 10वीं की परीक्षा नहीं लेंगे और विज्ञान विषय के मार्क्स अन्य जो परीक्षाएं ली गई हैं उन्हीं के हिसाब से एक क्राइटेरिया निकाल के हम उस प्रतिशत को मान लेंगे और उसी हिसाब से विज्ञान विषय की परीक्षा में बच्चों को पास कर दिया जाएगा। तो दोस्तों, देखते हैं कि अभी आगे क्या होता है। बट हमारा ये मानना है कि यदि दिल्ली यूनिवर्सिटी इस प्रकार का कोई कदम उठाती है, यह देश की सबसे नंबर 1 यूनिवर्सिटी है, ए ग्रेड यूनिवर्सिटी है दोस्तों, और यदि दिल्ली यूनिवर्सिटी ने इस प्रकार का कोई कदम उठाया तो ज़रूर महर्षि दयानंद यूनिवर्सिटी या फिर हरियाणा की अन्य यूनिवर्सिटियाँ भी इस प्रकार का कदम उठाएंगी। हरियाणा सरकार हमेशा जो उच्च लेवल का जो होता है जैसे कि CBSE हरियाणा से ज़्यादा मान्यता मानी जाती है, यह देश भर का बोर्ड है। इसी प्रकार दिल्ली यूनिवर्सिटी है दोस्तों, यह भी देश भर
कि सभी विद्यार्थी दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंदर पढ़ के खुश हैं, वहाँ बच्चों के एडमिशन होने बहुत ही मुश्किल हो जाते हैं। तो दोस्तों, यदि दिल्ली यूनिवर्सिटी ने इस प्रकार का कोई फैसला लिया तो आप लोगों को भी इसका फ़ायदा हो सकता है। इससे संबंधित हमें कोई भी अपडेट मिलेगी दोस्तों, आपको ज़रूर इसके बारे में सूचित करेंगे। आप चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। दोस्तों, यहाँ एक चीज़ का फैसला और भी लिया गया है। दिल्ली यूनिवर्सिटी जो है DU ने अपनी परीक्षाएं पहले से ही स्थगित कर दी थी और DU गुरुवार को कोरोना संक्रमण को देखते हुए अप्रैल से पहले सप्ताह में शुरू होने वाली स्नातक और परिस्नातक सहित एमफिल और PhD के आवेदन प्रक्रिया स्थगित कर चुका है। इसके अलावा DU ने स्कूल ऑफ ओपन लर्निंग, नियमित कॉलेज और नॉन कॉलेज के जो परीक्षाएँ होनी थी दोस्तों, उन सभी को स्थगित कर दिया है। तो दोस्तों, हमारा मानना है कि आपको अभी मतलब बहुत ही जल्द कोई ना कोई अपडेट मिलेगी, क्योंकि दोस्तों सबसे बड़ी परेशानी तो ये है कि आप ये देखो कि यहाँ एक नोटिस हमें देखने को मिल रहा है कि उड़ीसा जो है वह 17 जून तक अपने जो स्कूल्स हैं उनको बंद रखने के लिए बोल रहा है। यदि दोस्तों 17 जून या फिर मतलब कि जून के लास्ट तक या जुलाई के लास्ट तक यदि लॉकडाउन रहता है और स्कूल कॉलेज नहीं खोले जाते हैं तो दोस्तों परीक्षा लेना संभव नहीं है। यह सभी के लिए एक बहुत ही बड़ी परेशानी हो जाएगी। परेशानी दोस्तों इसलिए हो जाएगी, यदि अब नेक्स्ट कक्षा कब से स्टार्ट करें, फिर सिलेबस का परेशानी आएगी कि उनका सिलेबस कवर नहीं हो पाएगा और जो नए एडमिशन लेने हैं वो प्रोसेस भी यूनिवर्सिटी के कर्मचारियों को स्टार्ट करना है। तो दोस्तों, इसको देखते हुए यूनिवर्सिटी ज़रूर एक से दो दिन में कोई ना कोई बड़ा कदम उठाएगी, जिसके ऊपर अभी जो गहन अध्ययन है, जो विशेषज्ञ हैं उनकी राय लेना बाकी है और उसका सिलसिला चल रहा है। जैसे ही कोई फाइनल डिसीजन आता है, कुलपति की तरफ से मोहर लग जाएगी और आपको उस अपडेट के बारे में जानकारी दे दी जाएगी। दोस्तों, यदि आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी हो, आप वीडियो को लाइक कर सकते हो, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो और वीडियो को अन्य दोस्तों के पास भी शेयर कर सकते हो, ताकि उन लोगों को भी इस प्रकार की अपडेट मिलती रहे। दोस्तों, साथ में ही मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर एक व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक दूंगा, जिस व्हाट्सएप ग्रुप में मेरे पास समथिंग 150 या 100 के आसपास बच्चे हैं जो ग्रुप में जुड़े हुए हैं और वो सिर्फ MD यूनिवर्सिटी रोहतक से संबंधित ही अपडेट्स के लिए ग्रुप बनाया गया है। वहाँ दोस्तों चैट की सुविधा भी आपको उपलब्ध रहेगी। कुछ समय के लिए हम वहाँ चैट अभी हमने ऑफ कर रखा है, वो हम जैसे ही एग्ज़ाम से रिलेटेड कोई भी मतलब कि सिलसिला स्टार्ट होगा, हम वहाँ आपका अपडेट जो है उसको ओपन कर देंगे और वहाँ आप एक दूसरे विद्यार्थी से चैट कर पाओगे। कोई भी नोटिस आता है, डेट शीट आती है या फिर अन्य कोई जानकारी ऑफिशियल वेबसाइट से हमें प्राप्त होती है, वहाँ आपको हर जानकारी शेयर की जाएगी। तो मेरा आपसे विनती रहेगी कि आप हमारा ग्रुप ज्वाइन कर सकते हो, ग्रुप का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। दोस्तों, आज की इस वीडियो में आप लोगों के साथ यहीं से बातें करनी थी। बहुत जल्द होंगे एक नई अपडेट के साथ, एक नई वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत।